press the bell icon for all updates. यार मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे से 100 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं और शो बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीआरपी बढ़ रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, रोमांस बहुत अच्छा है और शो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। आई थिंक पहले भी मैंने कहा था कि ये बेपना जो शो है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अलग है और आई थिंक कलर्स, थैंकफुली कलर्स ने ट्राई किया, ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है और जो कि अच्छा है और जो लोगों को पसंद आ रहा है और अच्छा जा रहा है। होपफुली ऐसे ही चलता रहे और ऐसे हज़ार एपिसोड भी कंप्लीट हो जाएँ तो मज़ा आएगा। आई हैव अ गुड फीलिंग। बहुत प्रेशर था यार, मुझे नहीं पता किसी और चैनल ने इस तरह का शो पहले कभी बनाया है। कलर्स इज़ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट, जिसमें दो लोग मर चुके हैं और दो लोग मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, फिर एक साथ आ रहे हैं, फिर अलग हो रहे हैं, फिर बैक स्टोरी भी है और इतना कुछ हो रहा है, फिर आगे जाके अब जाके कहानी फाइनली हल्की सी खुली है जो लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा शायद ही होने वाला है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसा छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आई थिंक इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन किसी शो में नहीं हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक अभी तो एक्सीडेंट हुआ था, आई होप अभी तक लोगों को पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। आई एम श्योर उसका कुछ इंटरेस्टिंग होगा आगे, लेट्स सी, लेट्स सी। यार इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आपने आई डोंट थिंक किसी भी शो में किसी भी कैरेक्टर का, आदित्य का और जोया का किरदार कहाँ से कहाँ गया है, मतलब वो किस तरह की लड़की थी और वो कैसी हो गई है और आदित्य कैसा लड़का था अब वो कैसा हो गया है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी शो में इतना ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, सब आगे पीछे घूमते रहते हैं। इस शो में कुछ अलग है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑफकोर्स सेट के पीछे का माहौल किस तरह से है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है देखा जाता है। सेट का पीछे का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि सब पहले से एक दूसरे को जानते हैं और सब एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। मैं हर्षद को पहले से जानता हूँ, जेनी को पहले से जानता हूँ, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इट्स लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर। हमारा जो डायरेक्टर है अनिरुद्ध, वो भी बहुत पुराना डायरेक्टर है, दिल मिल गया से हमारा डायरेक्टर है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। ऐसा लगता है कि एक फैमिली है, एक फैमिली है। मतलब मैं पार्ट नहीं हूँ लेकिन अभी भी 100 एपिसोड हो गए तो मुझे लग रहा है कि मेरा मतलब कहीं मैं भी इसका मेरा भी योगदान है, तो इट्स लाइक अ फैमिली थिंग फॉर अस, तो इट्स अ गुड थिंग। सिनेवस्था मेरी फैमिली है यार, मैंने अपना करियर सिनेवस्था के साथ स्टार्ट किया है और आई थिंक बेपना मेरा 5वां या 4वां शो था उनके साथ और मैं चाहता हूँ ये सिलसिला ऐसा बना रहे। और जब भी मैं मिस करता हूँ तो मैं और नमिता क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं चलो सेट पे चलते हैं, और हम सेट पे जाते हैं, मज़े करते हैं और वापस आ जाते हैं क्योंकि वी फील लाइक गोइंग देयर। मतलब शूट नहीं भी है तो दिल करता है चलो होकर आते हैं, कुछ देख कर आते हैं, कुछ तो मज़े करके आते हैं। कभी ऐसा गया है कि आपने सरप्राइज दिया है उनको? हाँ, कितनी बार, हाँ बहुत बार। सो लास्ट हम गए थे, मैं और नमिता लास्ट टाइम गए थे, तो जेनी और हर्षद का एक सीन चल रहा था जिसमें वो ही इज़ ट्राइंग टू प्रपोज हर और वो उनका ऐसा कैंडल लिट डिनर टाइप है और उसमें जो जोया है वो थोड़ी सी हाई है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो और मज़ा आया देखने में, अच्छा लगा और फेल्ट लाइक होम अगेन। प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है, तुम ऑनलाइन सब देखते हो, प्लीज़ उसको टीआरपी बढ़ाओ, उसको चैनल में भी देखो, इतना अच्छा शो है, नंबर वन चल रहा है ऑनलाइन, मेक श्योर दैट कि तुम उसको टीवी पे भी देखो, कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना, हमारी टीआरपी बढ़ेगी तो और फ़ायदा होगा, राइट? थैंक यू सो मच।